दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है लद्दाख में यून टैब योजना शुरू। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने छात्रों के लिए यून टैब योजना शुरू की। यून टैब योजना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तकनीकी सहायता के साथ स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है, जिसके तहत कक्षा 6वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों, वीडियो व्याख्यान और ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन सहित प्रीलोडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री के साथ 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। उन्होंने नीट, जेईई, एनडीए और यूजी क्लैट जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्राप्त करने के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। रीवा योजना के तहत छात्रों को 1,00,000 रुपए तक की कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसी तरह सिविल सेवा, आईईएस और आईएफएस की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए एलजी माथुर ने 1.54 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की घोषणा की। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए सामुदायिक कक्षाओं के संचालन के लिए गांवों में बेहतर प्रावधान की सुविधा के लिए एलजी के कोष में से ग्राम पंचायतों को 25 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। उन्होंने नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों पर हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, 100% नामांकन और स्कूलों में ड्रॉपआउट शून्य करने के प्रयास होने चाहिए।